हेलो गाइज, नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा इंस्टाग्राम पर इनवाइट सेंड का प्रॉब्लम क्यों आता है और ये इंस्टाग्राम पर जो इनवाइट सेंड का प्रॉब्लम आता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए बिना टाइम गवाएं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे हो, मैं अभी यहां पे मैसेज करने वाला हूं। जो आप भी किसी को मैसेज करने जाते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है कुछ इस तरह से इनवाइट और यूजर नेम, उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलता है यू कैन ओनली सेंड ओन मैसेज ऑन दिस इन्वाइट मेम्बर रिमेंबर, इस तरह का ऑप्शन आता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि आप बस एक बार ही मैसेज कर सकते हो किसी को भी। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज करता हूँ, जैसे आप भी कुछ इस तरह से मैसेज करने जाते हैं तो मैसेज करने के बाद यहाँ पर उसके बाद आपको क्या होता है कि आपके सामने यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, इनवाइट सेंड का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है। एक से अधिक आप मैसेज नहीं कर पाते होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग बताते हैं कि मैं मैसेज तो कर दिया, उसके बाद यहाँ पर इनवाइट सेंड प्रॉब्लम आ गया, तो मैं इस मैसेज को कैसे डिलीट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैसेज पर, उसके बाद डिलीट फॉर यू का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके को डिलीट कर सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा डिलीट फॉर यू वन, यानी कि आपने एक मैसेज किया इसको डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैसेज डिलीट हो चुका है। कुछ इस तरह से आप भी अपने मैसेज को डिलीट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि इनवाइट सेंड प्रॉब्लम आ गई है, फिर से मैं मैसेज तो नहीं कर सकता, जो मैंने मैसेज किया उसको डिलीट कर दूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम जो है इनवाइट सेंड का क्यों आता है। दोस्तों, यह एक जो प्रॉब्लम है इनवाइट सेंड का, ये हर एक आईडी में आती है। जैसे कि आप अगर मेरे को मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आते हैं, उसके बाद मैसेज करते हैं, तो आपका जो मैसेज है यहाँ पर मेरे रिक्वेस्ट में चला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट में जाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्राइमरी का और यहाँ पे जनरल का ऑप्शन मिलता है, और नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हो राइट साइड में रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको भी कोई भी मैसेज करता होगा तो आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट में जाता होगा, एक बार ही मैसेज कर सकता है कोई भी बंदा, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इन्वाइट सेंड का ही प्रॉब्लम आएगा और आगे आप कोई भी मैसेज नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट करने जाते हो, रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितने सारे रिक्वेस्ट हमें आए हुए हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको भी कोई भी मैसेज करता होगा तो सबसे पहले रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, ब्लॉक, डिलीट और एक्सेप्ट। दोस्तों, इससे ये फायदा है कि अगर आपको कोई भी बंदा यहाँ पे फॉलोवर्स और अदर पर्सन कोई भी आएगा आपके प्रोफाइल में, अगर आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसको डिलीट भी कर सकते हो या फिर ब्लॉक कर सकते हो, या फिर आप एक्सेप्ट ही नहीं करना, एक्सेप्ट करोगे तो बार बार मैसेज वो कर सकता है। लेकिन गाइज, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, यहाँ पर एक्सेप्ट पर नहीं क्लिक करते हो, तो आपको वो बंदा मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आप उसके आप आपका आईडी जो आपको ओपन करेगा तो उसको इनवाइट सेंड का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करने के बाद वो बार बार आपको मैसेज कर सकता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं मैसेज कर दिया हूँ कुछ इस तरह से, आप भी वो मैसेज आपके पास चला जाएगा और आप भी इसको मैसेज कर सकते हो कुछ इस तरह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इस तरह से आप भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको, एक सेटिंग होता है जो आपने नहीं कर रखा है, उस सेटिंग को क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन मिलेगा, क्लिक कर देना है कॉर्नर पर। जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल डाउन कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाइज, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो फिर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैसेज कंट्रोल यहाँ पर ऊपर आपको क्लिक करना है, मैसेज कंट्रोल पर क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो उसके बाद आपको मिलता है योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैसेज रिक्वेस्ट का और नीचे डोंट रिसीव रिक्वेस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाले पे टिक करना है, काफ़ी लोग यहाँ पे नीचे वाले पे करते हैं, तो आपको नीचे वाले पे नहीं करना है, ऊपर वाले पे करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले पे करते हो तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी बंदा आपकी आईडी पे आएगा तो आपको मैसेज करेगा, बस एक बार मैसेज कर सकता है, उसके बाद जो मैसेज करेगा आपके रिक्वेस्ट में चला जाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट में आप जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे रिक्वेस्ट, तो आप बहुत ही आसानी से बात कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आपको मिलता है अदर ऑन इंस्टाग्राम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको भी आपको मैसेज रिक्वेस्ट में ही डालना है, नीचे पर नहीं क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आप भी, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले पे टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे बैक चले आना है। इस तरह से आप भी अपना परेशान होने से बच सकते हो, कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा डायरेक्टली आपका उसका मैसेज आपके रिक्वेस्ट में चला जाएगा। आप चाहो तो बात कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, ऐसे ही ब्लॉक भी कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, आपका उसका मैसेज जो है रिक्वेस्ट में हमेशा के लिए यहाँ पे पड़ा रहेगा। कुछ इस तरह से आप भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें।